नमस्कार, स्वागत, ये है द लंडन टॉप और मैं हूं अभिषेक। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर निक कॉम्पटन ने इंडियन कैप्टन विराट कोहली के बारे में एक पुरानी बात बताई है, करीब 8 साल पहले की, जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इंडिया के टूर पर थी। निक ने इस सीरीज का एक किस्सा बताया है जब विराट कोहली को उन पर गुस्सा आ गया था। एजेस एंड स्लेजेस के इस पॉडकास्ट में 25 मिनट के आसपास निक ने इसके बारे में बताया है। निक से पूछा गया था कि क्या उस सीरीज के दौरान उन्हें किसी खिलाड़ी का स्लेजिंग करना याद है। स्लेजिंग का मतलब होता है कि गेम के दौरान खिलाड़ियों का एक दूसरे को कुछ बुरा भला कहना, अक्सर उनका मनोबल गिराने के लिए। इस सवाल पर निक ने विराट कोहली से जुड़ा हुआ ये किस्सा बताया। सीरीज उस समय तक शुरू नहीं हुई थी। निक ने बताया कि वो शाम के समय कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, साथ में केविन पीटरसन थे और युवराज सिंह थे। अचानक से उन्हें दिख गई विराट कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड। इस तरह सामने से मिल जाने पर उनकी बात हुई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि बात का वतंगड़ बन जाएगा। निक ने कहा कि मैंने बस उनसे इधर उधर की थोड़ी बातचीत की, उनसे मतलब विराट कोहली की गर्लफ्रेंड से, लेकिन यह बात फैल गई कि मेरी उनसे बातचीत चल रही है। विराट कोहली को यह सुनना रास नहीं आया। जब भी मैं बैटिंग करने निकलता, वे हर बार मुझे कुछ ना कुछ कहते। विराट ये जता रहे थे कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, जबकि वो विराट को अपना एक्स बॉयफ्रेंड बता रही थी। निक का मतलब था कि विराट कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन विराट अब भी उन पर अपना हक जता रहे थे। किसी क्रिकेटर के उनसे बात करने से ही असहज हो रहे थे। निक ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि उस समय ये बहुत मजाकिया था और सभी खिलाड़ियों ने, खासकर इंग्लैंड गेम के खिलाड़ियों ने, इस चीज को पकड़ लिया। हमने इसका इस्तेमाल किया विराट को तंग करने के लिए और उनके दिमाग से खेलने के लिए, लेकिन विराट ने खुद पर काबू पाया और नागपुर वाले आखिरी मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। विराट की तारीफ करते हुए भी निक ने कहा कि विराट कोहली वे एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। उन्होंने वापसी की और आखिरी मैच में एक बढ़िया शतक बनाया। साफ तौर पर उनका करियर मजबूत होता रहा है, लेकिन उस समय यह एक मजेदार चुटकुले जैसा था जो पूरी सीरीज पर चलता रहा, जिसके बारे में सोचकर हमेशा हंसी आ जाती है, लेकिन कहीं कोई द्वेष भाव नहीं था। आपको बता दें कि 2012 की इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड ने 2-1 से जीत हासिल की थी। 2017 में इसके बाद विराट कोहली की शादी अनुष्का शर्मा से हो गई थी। ये खबर लिखी है हमारे साथी विजेता ने। और भी खबरों के लिए आप द लंडन टॉप के साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज और ऐप के माध्यम से। शुक्रिया। द लंडन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लंडन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और द लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।